और साथ ही विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न जन समस्याओं को लेकर जन अधिकार पदयात्रा निकाली गई है। पदयात्रा में कांग्रेसियों, व्यापारियों और आमजन शामिल हुए हैं। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हाईवे 4 लेन सड़क चौड़ीकरण, दरगाह शरीफ मजार को लेकर सागर भोपाल चौराहे तक अधूरे सड़क निर्माण को लेकर पदयात्रा निकाली है। इस दौरान पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जी राजस्थान आए थे, हम लोग से मिलने का समय हुआ, परंतु उन्होंने से मिलने का समय नहीं दिया और हमारे राजस्थान में विभिन्न समस्याएं थी, हम उसके लिए उनसे मिलकर उन्हें ज्ञापन देना चाहते थे, उनसे बात करना चाहते थे। रायसेन शहर के अंदर इस तरह से लगातार 2 महीने के अंदर 80 से 85 चोरियाँ हुई, जनता के बीच भय का माहौल है, लोग परेशान हैं और जिस तरह से अभी अधिक वर्षा के कारण किसानों की फसलों का जो नुकसान हुआ, सोयाबीन की फसल में अनियमितताएं मिली मुआवजे में, इन सभी बिंदुओं को लेकर हम सभी लोग पदयात्रा के माध्यम से भोपाल निकले हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर इन सब मुद्दों को हम उनके समक्ष रखें। देखिए, बहुत सारी समस्याएं इस क्षेत्र में, जैसा कि सर के देखें बेरोजगारी की समस्या है, यहाँ लाइट की समस्या है, पानी जो मूलभूत सुविधा है, आधारभूत सुविधा होता है, जल किसी के लिए जो उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, वो भी भीषण समस्या है राजस्थान। उन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम लोग से मुख्यमंत्री जी के पास अपनी बात है।